तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग तीन गुड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कैंसिलेशन कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर है, और बात आगे हम बात करेंगे कि जो एचआरडी मिनिस्टर ने दोस्तों एक हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़ में ये कहा है हेल्थ एंड सिक्योरिटी को लेकर, स्टूडेंट की हेल्थ एंड सिक्योरिटी को लेकर। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो हेल्पफुल है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं कि अभी गुड न्यूज़ है क्या। तो भाई पहले गुड न्यूज़ ये है कि जो हमने मुहिम चलाई थी, एक कैंपेन चलाया था कि कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पैंडेमिक कंडीशन को देखते हुए एक दिन में दोस्तों 50,000 के तकरीबन केसेस आ रहे हैं। इस कोरोना केसेस को देखते हुए कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बच्चों की सिक्योरिटी पर है, क्योंकि एग्ज़ाम, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो खुलेंगे नहीं अगस्त तक, और जितना ज़्यादा एग्ज़ाम लेट होता रहेगा अक्टूबर में नवंबर में जाएगा, तो उससे दोस्तों स्टूडेंट का ही बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनको एडमिशन को लेकर प्रॉब्लम आएगी। 10th का स्टूडेंट 11th में जा पाएगा, 11th का स्टूडेंट 12th में नहीं जा पाएगा, और 12th का स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएगा। तो इन सबको देखते हुए सपोर्ट मैम है, जो पिछले एक हफ्ते से वीडियो बना रहा हूँ कि कैंपेन एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, तो मतलब कि इसको सपोर्ट को लेकर जो हम बता रहे हैं कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके दोस्तों एक दो मार्क्स से कंपार्टमेंट आई है, तो इसके लेकर दोस्तों यहाँ पर इंडिया टीवी में एक न्यूज़ छपी है। तो भाई फाइनली एक बात और कहना चाहता हूँ कि इंडिया टीवी, हिंदुस्तान टाइम, न्यूज़ वर्ल्ड, ठीक है, और टाइम्स ऑफ इंडिया, भाई ये सारे न्यूज़ अब हमारे हित में आ रहे हैं, हमारे ये इन सबको दोस्तों अब थोड़ा भाई समझ में आ चुका है। तो हमारी न्यूज़ है यहाँ पर भी छप रही है कैंसिलेशन कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर, कि छात्र कितने परेशान हैं, छात्र के हित के लिए दोस्तों ये सभी दोस्तों हमारा साथ सपोर्ट आ रहा है। तो इनके साथ से दोस्तों ये एक बड़ी खुशखबरी है कि अगर इनका सपोर्ट अगर हमारे पास आ जाता है तो एक पॉजिटिवली वे है कि कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर हमारी न्यूज़, अगर हमारी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स के डाउट कि उनके लाइफ बहुत मैटर करती है इस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन नहीं कर सकते, जितना ज़्यादा डिले करेंगे तो भी नुकसान है, और कोरोना वायरस को देखते हुए एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो भाई इनके सपोर्ट से यहाँ पर ये गुड न्यूज़ आई है कि हिंदुस्तान टाइम ने यहाँ पर एक न्यूज़ छापी थी कुछ पिछले दिनों में, और अभी दोस्तों फिलहाल अभी स्क्रीनशॉट पर आप देख रहे हो कि इंडिया टीवी ने यहाँ पर एक न्यूज़ छापी है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। तो भाई यहाँ पर देखो इंडियन न्यूज़ की तरफ से ये न्यूज़ लिखा है कि कैंसिल कर सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम अवार्ड ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट डिमांड, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों सीधी तरीके से जो हम पिछले दिनों से हम ये जो कह रहे थे कि कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट के कारण दोस्तों एक सब्जेक्ट में जो 2-3 मार्क्स से कंपार्टमेंट आए उसको लेकर छात्र बहुत परेशान है, क्योंकि ना तो वो इधर का रहा, ना तो उधर का रहा, ना तो एडमिशन ले सकता है, ना तो कुछ कर सकता है। इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर भी सेम बात वही लिखी गई है कि स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन क्लास 10th और 12th, जो छात्र दोस्तों क्लास 10th और 12th में फेल हुआ था, तो उसमें दोस्तों ज़्यादातर मोस्टली जो बच्चे हैं दोस्तों, मैनी स्टूडेंट सेड दैट दे हैव फेल्ड बाय 204 मार्क्स, ठीक है, मतलब कि एक सब्जेक्ट में दोस्तों कंपार्टमेंट हुए थे जो 204 मार्क्स है, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है। ये बात मैंने पहले भी कही थी, तो एक खुशखबरी है कि दोस्तों हमारी बातें, हमारी फीलिंग की बातें, जो छात्र बहुत सारे परेशान थे इस बात को लेकर, तो भाई वो बातें अब जब कोई ना कोई न्यूज़ में छप रही है, तो भाई इंडिया टीवी भाई बहुत थैंक्सफुल कि आपकी तरफ से यहाँ पर न्यूज़ छप रही है। तो यहाँ पर देखो यही कहा गया है कि मीनवाइल पीएल हैज़ बीन फेल्ड बिफोर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे कि मैंने कल के वीडियो में कहा था कि पीएल फाइल दर्ज हुआ है एक पेरेंट्स की तरफ से स्टूडेंट्स को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट में उससे पीएल फाइल दर्ज हुआ है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर बात लिखी गई है कि मैंने जो स्टूडेंट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है दोस्तों, उनके 2-4 के मार्क्स से कंपार्टमेंट आई थी। तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा गया है कि एडवोकेट शक्ति पांडे टोल्ड इंडिया टीवी द एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द पेंडेमिक सिचुएशन, ठीक है, स्टूडेंट लिव विल बी दैट। तो ये सारी दोस्तों बातें यहाँ पर फुल लिखी गई है, जो हमारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। तो भाई ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए, कि ये पॉजिटिवली वे में भी है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके की न्यूज़ अगर वो हम और हाईलाइट होती रहेगी, तो हमारे कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल को लेकर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे। तो भाई अब बात करते हैं कि नेक्स्ट गुड न्यूज़ क्या है। तो भाई देखो नेक्स्ट गुड न्यूज़ है, जिसके स्क्रीनशॉट पर आप देख सकते हो कि हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एवरी स्टूडेंट इम्पोर्टेंट, रमेश पोखरियाल निशंक। डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी से ये सवाल पूछा गया था कि कंपार्टमेंट एग्जाम होंगे, इसको लेकर आपकी क्या राय है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पहले हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमें उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर यहाँ पर ध्यान में रखते हुए हम ये कुछ फैसला लेंगे। तो भाई ये कहीं ना कहीं हमारे पॉजिटिवली वे के लिए है, कि क्योंकि भाई यहाँ पे जो पेंडेमिक कंडीशन है उसमें रोज़ के दोस्तों केसेस बढ़ रहे हैं, पर डे 24 घंटे में दोस्तों 50,000 केसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एग्ज़ाम देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगस्त में तो स्कूल तो खुलेंगे नहीं, और जितना लेट करेंगे सितंबर अक्टूबर करेंगे तो एडमिशन को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट के कारण। मैं नहीं चाहता कि जिस छात्र ने दोस्तों पूरे साल मेहनत करी थी, जिसके 76% आए थे, लेकिन एक सब्जेक्ट में 2 मार्क्स से कंपार्टमेंट आई, और वो इस बात को लेकर यहाँ पर फंस गया है कि एडमिशन नहीं ले पा रहा, भाई बहुत बड़ी दुखखबरी है। तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ आई थी हमारी तरफ से, तो दोस्तों इंडिया टीवी, ठीक है, हिंदुस्तान, रिपब्लिक टाइम्स
और रिपब्लिक वर्ल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया, दोस्तों ये सारी न्यूज़ अब हमारे साहित्य में है, आपके पेरेंट्स एसोसिएशन, कॉलेज प्राइवेट एसोसिएशन, तो इन सब के सपोर्ट से दोस्तों यहाँ पर चांसेस बढ़ गए कि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल हो। तो यहाँ पर श्योरिटी फिल भी नहीं बनी है क्योंकि अभी तक तो ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, लेकिन ये एक पॉजिटिवली वे में गुड न्यूज़ है। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आई होप कि आपके एग्जाम कंपार्टमेंट ना हो। तो भाई फाइनली ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, आपको कुछ गुड न्यूज़ बताना था तो अपडेटेड रखना था, आपको इन्फॉर्मेशन करना था। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।